हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। डी नोरा इंडिया लिमिटेड, यहाँ पर एक शेयर है जिससे रिलेटेड यहाँ पर आप वीडियो बनाई गई है, जाके एक बार देख लीजिएगा। टेक्निकल को समझ लीजिएगा, केवल नाम देख के यहाँ पर एक साथ खरीदने की कोशिश मत करिएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जाती है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टडी आप काम करेंगे तो अच्छा पैसा बनेगा। कल आपको एल लॉयड बताया था अपर सर्किट, कल आपको यहाँ पर टाटा केमिकल बताया था अपर सर्किट, इससे पहले आपको यहाँ पर शीत यहाँ पर स्टार हाउसिंग बताया था, नीचे से 10% भाग गया। मॉस्चिफ की बात करें, ये भी यहाँ पर भागता हुआ नजर आया। इसके अलावा इविक्सिया 5% का अपर सर्किट, एमी ऑर्गेनिक यहाँ पर भागता हुआ नजर आया। इसके अलावा मैं आपको कितने स्टॉक्स यहाँ पर गिना सकता हूँ, मिष्ठान फूड्स अपर सर्किट। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और पॉइंट की अगर हम बात करें तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पर देख सकते हैं, शीतल यहाँ पर कूल, ये शेयर से रिलेटेड बातें की गई थी, लगभग 3 दिन में 27% के रिटर्न। तो ऐसे ही स्टॉक्स आपके लिए लाए जाते हैं, सिखाया जाता है कि ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट स्टडी और ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट प्रेडिक्शन यू कैन बाय दोस स्टॉक्स एंड आफ्टर दैट प्रेडिक्शन यू कैन गेट अ वेरी गुड रिटर्न। तो ये चीजें यहाँ पर समझने की कोशिश करें। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन हम देते नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी होती है, और ये पर्टिकुलर नंबर पे आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 से रिलेटेड। तो देखिए, निफ्टी 50 से रिलेटेड एज वेल एज यहाँ पर कुछ स्टॉक से रिलेटेड, निफ्टी 50 देखेंगे तो आज के डेट में गिरता हुआ दिखाई दिया, बेहतरीन यहाँ पर गिरावट होती हुई दिखाई दी थी लगभग 1%, और उसके बाद यहाँ पर मार्केट रिकवर होती हुई नजर आई। ओके, एक बेहतरीन यहाँ पर सपोर्ट, और नीचे का सपोर्ट की बात करें तो ये सपोर्ट सबसे बेहतरीन यहाँ पर सपोर्ट माना जाता है। इसके बाद ऊपर के लेवल की बात करें तो ये 17,400 के आसपास का ऊपर का लेवल यहाँ पर इंटैक्ट है। तो यहाँ पर मार्केट घूमती हुई नजर आ रही है, और यहाँ पर एक आइलैंड टाइप का बनाया, और जब भी इस तरीके का आइलैंड टाइप का बनाता है ना, तो यहाँ पर देखिए इसी तरीके का ये एक आइलैंड बनाया था, और जैसे ही आइलैंड बनाया तो चीजें ऊपर भागती हुई नजर आई। सेम एज इट इज यहाँ पर भी हो सकता है, ये एक आइलैंड बनता हुआ नजर आ रहा हो, जब यहाँ पर भागेगी तो अच्छा खासा तरीके से ऊपर भागती हुई नजर आएगी। ऐसे ही देखिए यहाँ पर भी आइलैंड बनाया, फिर भागता हुआ दिखाई दिया, तो ये आइलैंड एक तरीके से भागने का संकेत होता है। तो निफ्टी 50 में एक जंप आ सकती है, और नीचे के सपोर्ट ये इंटैक्ट है, ये सपोर्ट जब तक नहीं तोड़ रहा तब तक याद रखिए आप यहाँ पर मार्केट में गिरावट ज्यादा देखते हुए नजर नहीं आएंगे, और यहाँ पर ऊपर की लेवल जाने के लिए इस लेवल को क्रॉस करना बहुत जरूरी है। तो ये चीजें आप यहाँ पर समझ सकते हैं। बट हम यहाँ पर निफ्टी 50 का तो व्यू करने आया, बट कुछ स्टॉक्स आपको बताना चाहता हूँ, उन्हें नोट कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि उनमें आपको शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न दोबारा मिलते हुए नजर आ सकते हैं। आपको दोबारा बार बार अलग अलग स्टॉक चूज करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अलग अलग स्टॉक्स डेफिनेटली बताता हूँ। क्यों बताता हूँ? क्योंकि मैं यहाँ पर स्टडी करता हूँ, तो मुझे जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स मिलते हैं वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। तो इसलिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से आपके लिए स्टॉक्स लाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले कुछ स्टॉक्स से रिलेटेड जहाँ पर अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। एमी ऑर्गेनिक, कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी तब आपको बताया था अच्छी खासी जंप, और यहाँ पर देखिए शेयर इसी रेंज में यहाँ पर घूमता हुआ नजर आ रहा है। आज की डेट में यहाँ पर दोबारा भागता हुआ नजर आया, बट यहाँ पर इसका भागना फेल होता हुआ नजर आया। इसे यहाँ पर क्रॉस करने के लिए अब 1176 रुपए, 1176 का लेवल यहाँ पर इसने निकाला। ओके, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर दिख रहा है, 1176 का अगर इसने लेवल निकाल दिया तो याद रखिए यहाँ पर जंप होती हुई दिखाई दे सकती है, जो इस शेयर को लगभग 1415 रुपए तक यहाँ पर लेके जाती हुई दिखाई दे सकती है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नीचे का लेवल की बात करूं तो नीचे देखिए ये एक यहाँ पर सपोर्ट नजर आता है, अब ये रेजिस्टेंस नजर आता है। और देखिए आज की बात और बताता हूँ, देखिए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मैंने खींची हुई थी, तो इसी ट्रेंड लाइन पर यहाँ पर टच करके, याद रखिए ट्रेंड लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है, जब टेक्निकल की हम बात करेंगे, टेक्निकल की जब हम क्लासेस यहाँ पर लेंगे, चैनल बनाएंगे, उस टाइम मैं आपको टेक्निकल ये ट्रेंड लाइन किस तरीके खींचते हैं वो आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए ये ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन को टच करके ओके सीधे ऊपर निकलता हुआ दिखाई दिया, और यहाँ पर इस लाइन को याद रखिए ऊपर से यहाँ पर क्रॉस किया, तो यहाँ पर ये शेयर या इससे पहले नहीं रुकने वाला, इस चीज को याद रखिएगा। और बट यहाँ पर आपको बेचना है, यहाँ पर आपको पकड़े रहना नहीं है, इस चीज को भी याद रखिएगा। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन हम देते नहीं है, तो इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस के साथ साथ यहाँ पर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सबकी आपकी हेल्प लेके फिर काम करिएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे कुछ और स्टॉक्स की, जहाँ पर है रेणुका शुगर। रेणुका शुगर की अगर बात करूं, आज यहाँ पर एक अच्छी खासी कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, और आज के दिन अच्छा खासा ये शेयर यहाँ पर देखिए दोबारा यहाँ पर ट्रेंडिंग लाइन बना रखी थी, इसी सपोर्ट को यहाँ पर टच करके, याद रखिए इसी सीए सपोर्ट था, यहाँ पर एक सपोर्ट को टच करके चीजें अब क्या जा रही है,
अब चीजें दोबारा ऊपर जाती हुई दिखाई दी, लगभग 4-5% भागता हुआ दिखाई दिया, और यहाँ पर अच्छे वॉल्यूम भी आ रहे हैं और 20 करोड़, लगभग 2 करोड़ के आसपास के यहाँ पर शेयर है। बट इसे असली तेजी होने के लिए 63 रुपए का जो ये लेवल है, ओके 63 रुपए 20 पैसे के आसपास का जो ये लेवल है, इसे यहाँ पर क्रॉस करना जरूरी है। एक बार इसे क्रॉस कर देगा तो शेयर में एक अच्छी खासी तेजी होती हुई दिखाई दे सकती है, और ऐसे शेयर जो यहाँ पर बहुत कम ही यहाँ पर टूटते हुए नजर आ रहे हैं, ऊपर से कितना टूटा है, थोड़ा बहुत ही टूटा है और सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पर एक बाइंग बन सकती है और बाइंग के बाद एक अच्छी खासी रैली दोबारा आ सकती है। तो शुगर स्टॉक्स की तरफ भी ध्यान देना है, तो रेणुका शुगर की तरफ ध्यान देना है। इसके अलावा बजाज हिंदुस्तान हमने बेचा, लगातार इसमें गिरावट हो रही थी और अब यहाँ पर एक सपोर्ट लेके यहाँ पर चीजें ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। ये सपोर्ट जब तक इंटैक्ट है चीजें अच्छी खासी है, और नीचे से देखेंगे तो लगभग 4-5% शेयर आज की डेट में भागा भी है, और यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट नजर आता है ये, और इससे पहले एक सपोर्ट ये नजर आता है, जब तक ये इंटैक्ट है तब तक चीजें बेहतरीन है। तो यहाँ पर ऊपर जाने का यहाँ पर रास्ता ये दिखाई दे ही रहा है, और यहाँ पर चीजों को थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, यहाँ पर जब तक इन लाइंस को ये क्रॉस नहीं करता तब तक आप मत सोचिएगा कि इसमें एक बड़ी तेजी आ सकती है, और जब तक 22 रुपए का लेवल नहीं निकलता तब तक बड़ी तेजी बिल्कुल भी नहीं आ सकती। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये से यहाँ तक यहाँ जाएगा तो अच्छा खासा ये भागता हुआ नजर आएगा, और यहाँ से लेके जहाँ हमने आपको बताया था इसी के आसपास बताया था तब एक अच्छी खासी तेजी ऑलरेडी हो गई थी, मेरे पास ये शेयर पहले से ही था, तो यहाँ पर से देखेंगे तो लगभग 50-57% के रिटर्न हमें मिलते हुए नजर आए थे। तो ऐसे ही रिटर्न आपको कमाने हैं तो आप हमें यहाँ पर फॉलो करिए, एज वेल एज इन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारी फाइनेंशियल सर्विस के लिए। तो ये बजाज हिंदुस्तान शुगर हो गया। इसके अलावा हम बात करेंगे और कुछ स्टॉक्स के रिलेटेड, जैसे कि टीवी 18 देखिए आज की डेट में थोड़ा सा भागता हुआ दिखाई दिया, बट अगेन यहाँ रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को क्रॉस तो किया, बट यहाँ पर देखिए एक ट्रेंडिंग लाइन मैंने खींच रखी थी, अगेन यहाँ पर इस ट्रेंडिंग लाइन को यहाँ पर टच करके नीचे आता हुआ दिखाई दिया। तो ये ट्रेंडिंग लाइन का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है, इस चीज को थोड़ा सा याद रखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग लाइन होती है ये, और यही मार्केट में चीजों को ऊपर ले जाना या नीचे ले जाना का काम करती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पर तेजी कब होगी, कल रिजल्ट है ओके, और अगर रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं तो इसे याद रखिएगा, शेयर में थोड़े अभी तुरंत तेजी हो कह नहीं सकता, पर थोड़ा सा टाइम देंगे और इस रेंज से जब सही बाहर निकलेगा तो याद रखिए एक तेजी होती हुई दिखाई देगी, ये इसका एक लेवल नजर आता है। इसके अलावा नेटवर्क 18 की बात कर लेते हैं, नेटवर्क 18 में यहाँ पर ध्यान दीजिए, नेटवर्क 18 इसी तरीके से एक बेहतरीन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो ये कैंडल बनाई है इसने, इन्वर्टेड हैमर जो ये बनाता हुआ दिखाई दिया है, इसमें का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पर परसों की डेट में एक अच्छी खासी तेजी होती हुई दिखाई दे सकती है, जो शेयर यहाँ पर जो ओपन होगा वो गैप अप के साथ, मतलब इन द सेंस यहाँ पर शेयर पॉजिटिव डायरेक्टरी में ओपन होता हुआ दिखाई दे सकता है, बट रिजल्ट है तो रिजल्ट को यहाँ पर कल की डेट में देख लीजिएगा। तो यहाँ पर शेयर यहाँ पर सब कुछ अच्छा नजर आता है, काफी सारे यहाँ पर एक से एक अच्छे शेयर मार्केट में अवेलेबल है, उन शेयर की तरफ ध्यान दीजिए। इसके अलावा एक और शेयर की तरफ ध्यान बताऊंगा जिसका नाम है मिष्ठान फूड्स, ओके मिष्ठान फूड्स देखिए अगेन यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनाया, और इसी इन्वर्टेड हैमर बना के एक सपोर्ट था, आज मुझे पता थी 2305 रुपए का लोअर सर्किट लगा के ये सीधे ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, तो अपर सर्किट लगा के यहाँ पर नीचे आता हुआ दिखाई दिया, बट यहाँ पर जो कैंडल बनी है ये कैंडल बताती है कि चीजें ऊपर जाएगी, तो यहाँ पर जब ऐसी कैंडल बनती है तो ऊपर जाती है थोड़ी बहुत चीजें, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान देना है, देखिए ऐसी इन्वर्टेड हैमर यहाँ पर भी बना था तो चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई देती, और ये गिरावट में बनती है तो काफी बेहतरीन होती है, और सपोर्ट पे बनती है तो यहाँ पर चीजें और अच्छी नजर आती है। तो मैंने आज की डेट में दोबारा ये शेयर बाई की है, तो इस चीज को यहाँ पर अपने माइंड में रखिएगा। तो ये स्टॉक्स को मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, बट फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके ही यहाँ पर कोई पोजीशन लेनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है, और इसी तरीके के शेयर और भी जानने के लिए आप हमें क्या करिए, कॉन्टेक्ट करिए या फिर यहाँ पर हमें फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, लाइक करिए, कोई क्वेरीज है कमेंट करिए, बहुत सारी चीजें यहाँ पर अपने चैनल पर और भी ओपन करने वाले हैं, तब आपको बहुत सारी सर्विसेज और मिलती हुई नजर आएगी, जहाँ पर बहुत कम चार्जेस में आपको अच्छे अच्छे प्रोडक्ट यहाँ पर ज्वाइन बटन के थ्रू यहाँ पर शायद हम प्रोवाइड करते हुए नजर आएंगे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।